यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और बात महुआ की, जहां पर उम्मीद का दामन आखिरकार टूट गया और उस 4 साल के मासूम के सासों की डोर टूट गई जो कल बोरवेल में गिर गया था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू भी काम नहीं आया और 4 साल के घनेन्द्र की मौत से उसके घर में मातम पसर गया है। कई घंटों का रेस्क्यू ऑपरेशन भी 4 साल के मासूम घनेन्द्र की जिंदगी नहीं बचा पाया। देर रात एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी महोबा के बुधारा गांव पहुंच गई, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद सुबह करीब 8 बजे मासूम घनेन्द्र को बोरवेल से तो निकाल लिया, लेकिन तब तक उसकी सांसों की डोर टूट चुकी थी। मासूम घनेन्द्र की मौत की वजह से उसके परिवार वाले सदमे में, पूरे घर में मातम पसर गया और परिवार में कोहराम मच गया। बुधवार को मासूम घनेन्द्र अपने पिता के साथ खेत पर गया था, जहां पर वो अनजाने में गहरे बोरवेल में गिर गया। घनेन्द्र के बोरवेल में गिरने की जानकारी मिलते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और उसे निकालने की जद्दोजहद शुरू हो गई। डीएम के साथ एसपी और स्वास्थ्य महकमे की टीम सबसे पहले मौके पर पहुंचे और घनेन्द्र का रेस्क्यू शुरू किया गया। रात को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद सुबह मासूम घनेन्द्र को बोरवेल से तो निकाल लिया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और मासूम घनेन्द्र जिंदगी की जंग हार चुका था। पानी का जो रिसाव हो रहा था टनल में, जो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था एनडीआरएफ के लिए, कि और जो पानी निकल रहा था टनल से उसको भी समय समय पर निकाल के फिर डिगिंग की जा रही थी, तो इस तरह से बच्चे के पास से अप्रोच करके पहुंचा गया। बोरवेल से बाहर निकालने के बाद मासूम घनेन्द्र को नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ पर हालत नाजुक होने की वजह से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन जांच के बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घनेन्द्र की मौत की वजह से उसके घर में मातम पसर गया है। बड़ी मुश्किल से कल 1:12 बजे गिर गया, फिर 5 बजे वाहन आए वो जेसीबी, फिर खुदाई भी आज निकला वही 8:30 बजे। कैसी स्थिति बता रहे इस पार हुआ है? बोरवेल से जिस बच्चे को हमारे पास अभी लाया गया, उसका हम लोगों ने पूरी तरह से चेकअप किया और बच्चे को हम लोगों ने मृत पाया है, ठीक है। और थोड़ा सा और एग्जामिनेशन करने पे, उसके आई रिफ्लेक्सेस वगैरह, पीआरपीएल ये सब देखने पे और राइगर मोर्टिस टाइप पे देखने पे ये भी लग रहा है कि बच्चे को लगभग 6 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं मृत। पुलिस प्रशासन एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 18 घंटे चला, उसके उपरांत बोरवेल से निकाल लिया गया है और निकाल कर एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ जिला अस्पताल लाया गया था। उसका अभी मेडिकल एग्जामिनेशन करा लिया गया है। बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि बच्चा जो है यहाँ ब्रॉड डेड लाया गया है। मासूम घनेन्द्र की मौत की वजह से महोबा के बुधौरा गाँव में मातम पसरा हुआ, जहाँ लाख कोशिश के बावजूद भी बच्चे की जान नहीं बच पाई। वहीं जिस तरह से घनेन्द्र बोरवेल में गिर गया, उसे लेकर गांव के लोगों में नाराजगी देखी जा रही, क्योंकि ये पहला मामला नहीं जब खुले बोरवेल में गिरकर किसी मासूम को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी हो। बांदा से अभय निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।